हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप। वी आर बैक अगेन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखेंगे। एक प्रोजेक्ट के हेल्प के थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस तरह से आप एक छोटे से कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट में लग्जरी लुक क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो खास है क्योंकि हम पीयूष गुप्ता जी के साथ हैं। पीयूष गुप्ता जी को आप सभी जानते हैं, उनके काम को लोग अच्छे से पहचानते हैं कि वो किस तरह से कॉम्पैक्ट स्पेस में लग्जरी लुक क्रिएट करने में माहिर हैं। यूटिलिटी पे फोकस करने वाले इंटीरियर डिज़ाइनर हैं पीयूष गुप्ता जी। पूरा इंट्रोडक्शन आपको देंगे, लेकिन वीडियो के हाईलाइट आपको बता दें। आज हम फोकस करेंगे डोर्स के ऊपर कि आप अपने घर के जब भी डोर्स डिज़ाइन करें तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ख़ास ख्याल रखने हैं। साथ में बताएंगे आपको लाइट्स के बारे में कि छोटे और कॉम्पैक्ट स्पेसेस में जब भी आप फॉल सीलिंग क्रिएट कर रहे हैं तो किस तरह की फॉल सीलिंग्स जो है आपके लिए अप्रोप्रिएट होती हैं। इसके अलावा हम फोकस करेंगे बाथरूम में सीलिंग लाइट्स के बारे में बताएंगे आपको। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको पूरा एक एक डिटेल में दिखाएंगे प्रोजेक्ट। हेलो पीयूष जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम बैक। थैंक यू एंड सो सॉरी। जनरली जब भी हम आपका इंट्रोडक्शन करते हैं, वैसे तो इंट्रोडक्शन हमें नहीं करना चाहिए पर जब भी इंट्रोडक्शन करते हैं तो हम प्रॉपर्टी में ही खड़े होकर इंट्रोडक्शन करते हैं, बट जब हमने आपको बैल्कनी में लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेस दिखाने वाले हमारे व्यूअर्स को। डेफिनेटली। और आज हम बहुत कुछ सीखेंगे आपसे, ठीक है? जो भी आपने इसमें जो भी इनपुट आपने डाले हैं इस प्रॉपर्टी में वो हम सीखेंगे। क्विकली छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम बात करेंगे आगे। सर, माय नेम इज पीयूष गुप्ता और मेरी कंपनी का नाम है फैंटनी डिज़ाइन। ये एक इंटीरियर बेस्ड कंपनी है जो अपना प्रोजेक्ट्स लेती है, टर्न की प्रोजेक्ट्स करती है इंटीरियर एंड आर्किटेक्ट के। एंड जैसे कि और भी बस मुझे सारे जानते ही हैं, मोर वीडियोस हैं मेरी अवेलेबल जी। चेंज व्हाट यू हैव डन, यू हैव एक्चुअली ब्रोकन, यू हैव नॉक डाउन द मिथ। सर यही मैंने इसमें बहुत चेंज किया है, आप देखेंगे। बहुत छोटा प्रोजेक्ट है बट इस प्रोजेक्ट में आप जो जो चीजें देखेंगे पूरा इसका रिच लुक है, टोटल ओवरऑल डन। ये है थ्री बेडरूम हॉल किचन, या थ्री बेडरूम। टोटल स्क्वायर फीट एरिया कितना है? टोटल सर स्क्वायर फीट एरिया इसका 1600 है कंप्लीट, मतलब जो है कवर्ड एरिया जो है आता है हमारा वो 1270 या 1280 के नियर अबाउट है। ठीक है, इस बार हम वीडियो को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। बिल्कुल सर, हम सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। एक एरिया को देखेंगे, उसकी हाईलाइट्स देखेंगे, फिर दूसरे एरिया उसकी हाईलाइट्स को चेक करेंगे। इस बीच आपने क्या सोच के क्या किया ताकि लोगों को लर्निंग आए, हम लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली, ठीक है। तो चलिए एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। तो डोर क्या था और क्या आपने बनाया? सर डोर में देखिए, आप देख सकते हैं कि मेन एंट्री जो हमारी सबसे ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, कोई भी मेंबर सारे उसी से आते हैं और उसी से जाते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन उसी से क्रिएट होता है एंड देन सेफ्टी भी उसी से क्रिएट होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देख सकते हैं हमने पूरा जो है इसमें सबसे पहले सेफ्टी डोर क्रिएट किया है, एक SS304 का, ठीक है। एंड उसके बाद हमने जो इसमें जो मेन डोर हमने इसका क्रिएट किया है पूरा आप देख सकते हैं प्योर वुड में एंड देन विनियर का वर्क किया हुआ है। और इसमें देख सकते हैं आपने, हमने इसमें एक डायमंड ग्रूविंग करा हुआ है। अच्छा, आप देख सकते हैं जो हमने किस इसमें डिजाइनिंग निकाली है, देन पूरी डायमंड शेप में हमने एक डिजाइनिंग इसमें क्रिएट किया है एंड देन उसके बाद में हमने इस पे जो है पूरा पीयू पॉलिश किया है हाई ग्लॉस। ठीक है, ये और अंदर के जो इंटरकनेक्टिंग डोर्स हैं उनमें डायमंड कट नहीं है? नहीं, ये सर एक मैंने जो है बिल्कुल डिफरेंट जो एंट्री, वही फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अच्छा, तो फ्रॉम मेन एंट्रेंस वी हैव कम टू द लिविंग रूम, राइट सर? ओ ओके जी, वेरी नाइस। अब ये हमारा ड्राइंग रूम है? ये हमारा ड्राइंग रूम है सर। ठीक है, कैसे आप हमें बताएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें? डेफिनेटली सर। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या कंडीशन में था? सर जैसे कि देखिए, हमेशा आपने मेरे फ्लैट शूट किए हैं कि एक जो कंडीशन बिल्डर प्रोवाइड कराता है ये अच्छा। अपना वही सेम अपना जो एक डस्टी एंड अपना जैसे भी रहता है एक रॉ कंडीशन में। ओके, उसके बाद में जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया है। ओवरऑल डिज़ाइनिंग आपके सामने है। अल्ट्रा लग्जरी की बात कर रहे थे हम, कम स्पेस में आपने बनाया है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम एलिमेंट्स को पकड़ के चलते हैं। सबसे पहले हम लाइट्स पे फोकस करेंगे। बिल्कुल सर, कि सीलिंग कैसा था और आपने क्या? सर सीलिंग था ही नहीं। अच्छा, हाँ सीलिंग हमने कंप्लीट इसमें सीलिंग किया है, सीलिंग इसमें था ही नहीं तो। अच्छा। मगर सीलिंग जो हमने सर किया है आप देख सकते हैं इसमें बहुत डिफरेंट सीलिंग हमने की है, आप इस बार देखेंगे बहुत कॉम्पैक्ट सीलिंग है एंड देन बहुत ही कॉम्पैक्ट ही इसके अंदर लाइट वेरिएशन भी डाला हुआ है।
ठीक है, आप देख, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो जो जिस चीज को इनहेंस कर रहा है केवल उतना ही इसमें चीज यूज किया गया है जी। लाइट्स का मैं देख रहा हूँ थोड़ा कलर भी डिफरेंट है, वार्म वाइट से थोड़ा डिफरेंट है। वार्म वाइट से नहीं, ये कूल वाइट्स है सर। कूल वाइट है या? अच्छा ठीक है, वाइट है, कूल वाइट है, कॉप लाइट्स हैं, फोकस लाइट है या सर? ठीक है, और शायद हमने यहाँ पे कुछ व्हाट यू कॉल द, दो पत्ते में जैसे शेप में आते हैं लाइट्स, वो भी यूज किया है या या एलईडी लाइट्स सर, स्ट्रिप लाइट्स। ठीक है, डन। नाउ द सेकंड हाईलाइट, ऑफ कोर्स यू आर द हाईलाइट, लेकिन ये है हमारा टीवी पैनल। टीवी पैनल ठीक है, ओरिजिनल क्या था यहाँ पे? ये सर एक सिंगल वॉल था ओनली, जिसको हमने हाईलाइट किया है एज अ टीवी कंसोल। अच्छा। पूरा हाँ कंप्लीट हाईलाइट किया है, जो बिल्कुल आप देख सकते हैं इसके अपोजिट साइड में हमारा सीटिंग सेक्शन है 6 सीटर, तो इसके बीच में आप डिस्टेंस भी, जो पूरा हमने जो है हर एक चीज को डिस्टेंस वाइज क्रिएट किया है, क्योंकि ये वॉल हमारी बिल्कुल ऑफ जा रही थी। क्या एक्चुअली क्या था यहाँ पे? एक्चुअली सेम ओनली वॉल थी, जस्ट इसके या प्लेन वॉल था, एंड प्लेन वॉल पे हमने पूरा एक जो है इसको ऐसा क्रिएट किया है सर, वॉल माउंटेड टीवी कंसोल बोला जाता है इसको जी, जो पूरा हमारा लोअर पैनल्स के साथ में, एंड देख सकते हैं आप सतवारियों यूज किया है हमने जी, और हमारा यहाँ पे जो है 42 इंचेस का टीवी आएगा, एंड पूरा ड्रॉर्स एंड स्टोरेज एंड आर्टिफैक्ट्स सारा चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इस चीज को क्रिएट किया है। डन। साथ में आप जो लर्निंग बता रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो हम तो सीख ही रहे हैं। बिल्कुल सर। इसके अलावा जो हमें लगता है कि हाईलाइट पॉइंट्स हैं, वो भी हम अगर आप कहें तो हम बताते हैं। डेफिनेटली सर। दो चीजें इसमें हाईलाइट हैं, एक तो ये है कि आप कम स्पेस में जब आप लूवर्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको इल्यूजन ऑफ हाइट मिलता है, बिल्कुल आपको सर। घर थोड़ा बड़ा दिखता है। 100%। दूसरा, आप स्पेस कम होता है तो आप टीवी यूनिट के नीचे लेग्स नहीं देते, उनको सस्पेंडेड रखते हैं, वो बड़ा दिखता है। थर्ड पार्ट ये है कि जब आपने कंट्रास्ट में सतवारियों का जब मायका दिया है, देख सकते हैं लूवर्स के साथ में, तो उसको वो थोड़ा सा स्टैंड आउट और 3D इमेज आए, उसके लिए आपने शायद पीछे एलईडी लाइट्स दी हैं। पीछे एक हमारा स्ट्रिप लाइट्स जो जिसे कोब लाइट्स बोला जाता है, ठीक है, वो हमने इसमें क्रिएट डाला। एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या एक बार टर्न ऑफ करके देख लें लाइट कि एक मूड ये भी क्रिएट करता है लाइट। डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक है, तो आप टर्न ऑफ कर दीजिए, तब तक हम ये व्यूअर्स को दिखाते हैं कि ऑफ होने के बाद ये कैसा दिखाई देगा। ये ऑफ हो गया, नहीं इसको ऑन रखिए, बाकी ऑफ कर दीजिए, कि अगर आपको दूसरा कोई मूड क्रिएट करना है मान लीजिए घर में, तो इस तरह से आप ये देखिए एक लाइट का ये रोल होता है इसमें। ओके, कैन वी सी ऑल द लाइट्स प्लीज? ओके पीयूष जी, दिस इज द फर्स्ट हाईलाइट, सेकंड हाईलाइट, एंड नाउ नेक्स्ट आप बता रहे थे कि डोर्स में यहाँ पे कुछ बिल्कुल क्या, सीटिंग बताएंगे? हाँ, सीटिंग का देखिए सर, जैसे कि हमने बिल्कुल इसके अपोजिट में एक कॉर्नर पूरा क्रिएट किया है जी, देख सर आराम से यहाँ पे हमारा 6 सीटर सीटिंग्स डाला है हमने सोफा, एंड इसके साथ एक ब्यूटीफुल हमने जो है ओनेक्स स्टाइल के अंदर गोल्ड फिनिश में सेंटर टेबल यूज किया है। अच्छा, यहाँ पे बहुत लिमिटेड सीटिंग हमने क्यों रखा है? लिमिटेड सीटिंग सर देखिए, ये एक जो प्रोजेक्ट है, मतलब देखा जाए तो बहुत कॉम्पैक्ट में हमने इसको जो है काफी रिच लुक प्रोवाइड की है। अच्छा, तो उस बेसिस पे हमने सर उतना ही यूज किया है जितना हमारे क्लाइंट को जरूरत है। अच्छा, तो मतलब अगर आपके कहने का ये है कि अगर आप फर्नीचर से ज्यादा भर देते हैं स्पेस को तो आपका स्पेस किल करते हैं। डेफिनेटली सर, कि जितना ज्यादा फर्नीचर रहेगा उतना स्पेस जो है कॉम्पैक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग है ना? बिल्कुल सर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, डन। अब इसका फीचर वॉल, एक और यहाँ पे फीचर वॉल है वॉलपेपर्स के साथ में, ये कौन सा वॉलपेपर हमने लगाया? ये सर हमने अपना जो है वॉलपेपर मारिया का यूज किया है। अच्छा, हाँ जी, और देख सकते हैं आप कि हमने जो कलर का इसमें रखा है बहुत लाइट और स्मूथिंग कलर हमने यूज किए हैं पूरे घर के अंदर। जब भी आप देखेंगे कि हमारा वॉल्स का एंड हमारा वॉलपेपर्स का एंड हमारी जो है रूफ है, जो हमने सेम कलर किया है। अच्छा, मतलब सीलिंग के कलर्स का भी ध्यान रखते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, फिर से एक सवाल हमारे पास कि जब आप कम स्पेस को अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और उसको थोड़ा लार्ज दिखाना होता है, तो आपने लूवर्स इस्तेमाल किए ताकि आपको इल्यूजन ऑफ हाइट क्रिएट हो। डेफिनेटली सर। लाइटर कलर के टोन्स यूज किए हैं वॉलपेपर, मोर ऑफ अर्दी एंड पेस्टल शेड्स हैं। डेफिनेटली। तो जो लोग हमारे व्यूअर्स सीख रहे हैं ना, उनके लिए ये सारे मैसेजेस कि अगर आपको ऐसा अपने घर में कराना हो तो इन चीजों का खास ख्याल रखें। मैं बताता हूँ सर कि थोड़े से पॉइंट्स और हैं जो एक प्रोजेक्ट को काफी अल्ट्रा लग्जरियस की फील प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट आ जाता है कि हमारे जो डोर्स के साइजेस होते हैं। अच्छा। वो बहुत मैटर करता है। ओके। यदि डोर्स के साइजेस सर हमारा 7.5 फीट से अपर लेवल पे जाते हैं तो वो एक तरीके से अपर आपको जो है हाई एंड प्रोजेक्ट में ही यूजेस होते हैं। अच्छा। और जितने भी टीवी यूनिट्स होते हैं हमारे, उन टीवी यूनिट्स को हम यदि कंप्लीट वॉल पे क्रिएट करते हैं वॉल माउंटेड,
ऐसा जैसे कि आपका मैंने इस प्रोजेक्ट में यूज किया है जी। ये इसको एक जो है ना बहुत ज्यादा रिच लुक प्रोवाइड कराते हैं। ओके ये चीज है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं सर, जैसे कि एक कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट के अंदर टाइल का साइज बहुत बड़ा लगाया जाए। अच्छा ओके, ये भी इंटरेस्टिंग टिप है हमसे शेयर की। क्योंकि क्या होता है, लोग कॉम्पैक्ट में ये समझते हैं कि 1x2 का या 2x2 का टाइल यूज कर देते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि 2x4 का टाइल यूज हो रखा है, और आप टाइल भी देख सकते हैं पूरा इटालियन फील दे रहा है। बिल्कुल मार्बल, ये बोटोचिनो जैसा कुछ। बिल्कुल तो है। सर बिल्कुल प्योरली है ही बोटोचिनो एक तरीके से। बोटोचिनो के अंदर इसको जो है हमारा कैरेमल उसके अंदर है ये अपना, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि हमने इटालियन लगा रखा है। हाई ग्लॉस में है ये। बिल्कुल सर हाई ग्लॉस जी। तो आपने बताया फ्लोरिंग का, एक टिप रिलेटेड टू फ्लोरिंग हमारे पास भी आपसे शेयर करेंगे। आपने तो ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये है कि जब आप हाई ग्लॉस यूज करते हैं फ्लोरिंग पे कॉम्पैक्ट स्पेस में, तो आप उसको बनाना है लग्जरी सेगमेंट में, तो वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो जब आप हाई ग्लॉस फ्लोरिंग यूज करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो आपकी जितनी भी सीलिंग लाइट्स होती हैं वो सारी रिफ्लेक्शन देती हैं, डेफिनेटली आपको एक रिचनेस क्रिएट होती है। वो वही सर एक फील आती है कि हाँ भाई चीज जो है लग रही है देखने में। एग्जैक्टली ठीक है। अब बात आ जाती है कि बाकी एलिमेंट्स की, ग्लास का बहुत इस्तेमाल होता है जो लग्जरी सेगमेंट के विलाज हैं, फ्लैट्स हैं, उनमें ग्लास होता है, तो क्या इसलिए यहाँ पे इतना सारा हमने ग्लास? बिल्कुल सर, ये सारा देखिए ग्लास वर्क है, एंड इसके अंदर आप इसका जो बालकनी है हम इसको ओपनेबल कर देते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वन पीस हो गया है। अच्छा आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा एरिया इसका हमने यूटिलाइज किया हुआ है। अच्छा, पूरा कलर डिवीजन इसलिए नहीं, सेम हमने जो है कलर की टाइल्स भी जो है ना वो सेम रखी है ताकि आपको स्पेस ज्यादा दिखाई दे, और पूरा बीच में जो है ये ग्लास पार्टीशन है। अच्छा। कि कभी सेपरेट करना हो तो आप इसको लॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है डन। अब ये बात हो गई हमारी यहाँ की, यहाँ पे कर्टन्स कैसे देने वाले? ये सारे सर कर्टन्स रहेंगे हमारे इसके अंदर टोटल आपके जो है इस दिस कलर के। अच्छा। जो हमारे अभी रेडी नहीं हुए थे। अच्छा, ग्रे कलर के। या ग्रे कलर के हमारे कर्टन सारे हैं। चलिए सो विल कंटिन्यू क्योंकि इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रे के जैसे उसकी बीच में ग्रेइश लाइन, बीच में ग्रे का कंट्रास्ट जा रहा है, एंड ग्रे सोफा है, और आप देख सकते हैं कि ग्रे सतवारियों व्हाइट के अंदर ग्रे की लाइनें जा रही हैं। अच्छा, तो टोटल ओवरऑल ये भी अपना तो उसी से रिलेटेड हमारे ग्रे कर्टन्स है। ठीक है डन। ओवरऑल आप भी देख रहे हैं कि कितने फ्रीली आप चल रहे हैं। हाँ, exactly, और मैंने जिसके अंदर प्योरली उनको डाइनिंग भी प्रोवाइड करा रखी है, एंड देन आप देख सकते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रॉकरी यूनिट जो हमने पूरा ग्लास फिनिश में विद छोटी सी डिजाइनिंग के साथ में, जो हमारा मेन पैटर्न है हमेशा हर प्रोजेक्ट में, ग्लास स्लाइडिंग है रोज गोल्ड में। या अच्छा ओके ठीक है। ओके सर, तो ये स्पेस में अगर देखें डाइनिंग स्पेस में यूटिलिटी के हिसाब से जो चीजों की जरूरत होती है, सबसे पहले तो डाइनिंग चेयर का सर राइट, डाइनिंग सेट है हमारे पास। बिल्कुल सर। दूसरा हमारे को जरूरत होती है वो है हमारे को क्रॉकरी यूनिट, तो यहाँ पे काफी सारा स्टोरेज देख सकते हैं सर। मैंने बिल्कुल जैसे कॉम्पैक्ट के हिसाब से फुल एंड स्टोरेज इसके अंदर प्रोवाइड करा रखा है। बताइए पीछे हम देख सकते हैं सर, जैसे यहाँ पे इनका जो था वो डोर स्लाइडर डोर थे। अच्छा, तो मैंने रिमूव कर दिया एंड देन किचन को पूरा मर्ज कर दिया है। अच्छा, तो आपने प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड किया? ये प्लेटफॉर्म को हमने पूरा एक्सटेंड किया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सिंक है वो पहले यहाँ पे हुआ करता था। अच्छा, सिंगल सिंक था? सिंगल सिंक था जो यहाँ हुआ करता था, देन मैंने पूरा स्लैबिंग यूज करके एंड देन यहाँ पर इसका पूरा यूटिलिटी बनाया है, देन इसका स्टोरेज सारा पानी वाटर ड्रेनेज सब इस्तेमाल करके और यहाँ पे हमने इसको क्रिएट किया है। ठीक है जनरली पीयूषी, लेकिन इस एरियाज में तो डक्स वगैरह सर ये देख सकते हैं जैसे कि आप ये डकी है, डक्ट है? जो हाँ बिल्कुल डक्ट है, बट ऐसे लग रहा है कि जैसे वार्डरूम टाइप आपने कंसील कर दिया या इसे हमने पूरा कंसील्ड किया है। अच्छा, जो क्योंकि क्या होता है कि डक्स क्लोज नहीं कर सकते आप। हाँ, क्योंकि कभी कोई प्रॉब्लम है तो है, बट ये देख सकते हैं हम। ओके पूरा डक। हाँ ओके ठीक है, तो आपने ब्यूटी को मतलब बिल्कुल सर किचन का कॉम्बिनेशन को रखने के लिए हमने उसको इस तरीके से क्रिएट किया है कि एज अ किचन भी पूरा खूबसूरत लगे और उनका उनकी भी प्रॉब्लम ना आए कि कभी उन्हें कोई चीज रिपेयर करनी है तो वो आराम से उस चीज को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। गेस्ट रूम है जी, जिसमें हमने एक टेम्पल लिया है क्योंकि ये जो पूरे फैमिली है वो 2+1 है ओनली मेंबर्स। ओके, हस्बैंड वाइफ? या हस्बैंड वाइफ है एंड अपना जो है इनकी एक डॉटर है। ठीक है, जो रहेंगे तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि एक मंदिर का ओवरऑल गेटअप जो पूरी चीजों को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, दो ड्रॉर्स, एक लॉन्ग ड्रॉर्स एंड अपना जो दिया लगने के लिए या भोग रखने के लिए हर चीज ध्यान में रखते हुए। और ये देखिए सर,
ओके, ये किस चीज में बनाया? पूरा वुड में? पूरा वुड के अंदर है, प्योर वुड एंड डेको के अंदर। अच्छा ठीक है, ये रूम में फर्नीचर प्लेसमेंट है? या सर, यहाँ पे एक जो है इनका छोटा 3x6 का एक बेड आएगा। अच्छा, क्योंकि ऐसे गेस्ट रूम यूज़ होगा। या सर ठीक है, डन। एंड वेयर आर वी गोइंग नाउ? अब सेकंड रूम दिखाना चाहूंगा जो इनका डॉटर का रूम है जी। हमने एक इसमें भी वार्डरोब यूनिट भी प्रोवाइड कराया है कंप्लीट एंड टू एंड। अच्छा ठीक है, डॉटर का रूम है सर जी। जो हमने उन्होंने जिस तरीके से हमसे बताया था, हमने उस तरीके से डिजाइन किया है इसको। जैसे कि उन्हें एक स्लाइडर वार्डरोब का स्टोरेज के लिए चाहिए था। स्लाइडर वार्डरोब क्यों और पेंसिल्स क्यों नहीं इसमें? सर ये थोड़ा सा देखिए, रूम साइज आप देख सकते हैं कि रूम साइज बहुत छोटा रूम है, 10x11 का रूम है ओनली जी, जिसके अंदर हमें एक बेड भी देना है और एक हमें पूरा फुल टाइप ऑफ स्टोरेज भी देना है एंड देन एक बुक शेल्फ भी एंड चेस्टर यूनिट्स भी लंप है। तो हमने उसी तरीके से एक चीजें क्रिएट की है जो उनको मेन जिस तरीके से उन्हें यूज करना है अपना रूम जी। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा रूम जो है इसे क्रिएट किया है। ठीक है, इसका फीचर वॉल जो है वो वॉलपेपर है? बिल्कुल सर, उसके ऊपर वॉलपेपर है ग्रीन कलर का, एक इसमें हमने बेड दिया है कॉन्ट्रास्ट का। डेफिनेटली जी, ये देख सकते हैं जो बहुत ही कॉम्पैक्ट वॉशरूम्स थे, जो अब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़े बड़े वॉशरूम्स हैं जी जी जी। बट क्या साइज बताया जाए तो ओनली 4x8। अच्छा ओके, 4 feet by 8 feet। अच्छा, 4 feet by 8 feet में हमें क्रिएट करना है पूरा, क्रिएट किया है शावर एरिया एंड आपका जो है पॉट एरिया एंड आपका वैनिटी एरिया। और आप देखा जाए तो कोई भी चीज आप देख सकते हैं कि हमने जो है सारी चीजों की फुल यूटिलिटी रखी है। हमने स्टोरेज बनाया है कंप्लीट नीचे एंड क्वार्ट्स के साथ में हमने सेम रिलेटेड टू टाइल्स से टचअप हमने वेशंस दिए हैं, डिजाइनर वेशंस। फिटिंग्स हमने पूरी जैक्वार एंड ग्रोहे यूज करा है। ठीक है, हम टाइल्स की हमने को ब्रेक क्यों नहीं किया? हमने टाइल्स हमने थ्रू आउट एक जैसा रखा है, एक तो जैसा सर। ये थोड़े से जो डिजाइन्स ओनेक्स वाले होते हैं इसमें एक्चुअली में क्या है, हाइलाइटर्स यूज नहीं होते। क्यों? ये खुद आप अपने आप में हाइलाइटर्स है। अच्छा, तो जब भी आप इस तरह के ओनेक्स पैटर्न के टाइल्स खरीदें बिल्कुल, तो आप उनको यूनिफॉर्मिटी सेम सेमेट्री में इन्हें यूज करें, इसके अंदर कोई हाइलाइटर ना लगाए, क्योंकि इसमें हाइलाइटर ऑफ ग्रिड नजर आएगा आपको। क्योंकि ये ओवरऑल देखा जाए ना तो सर अपने आप में ये प्योर एक तरीके से हाइलाइटर्स है सारे। ओके, अपना एक नेचुरल पैटर्न, नेचुरल पैटर्न है। ठीक है, सो वो वॉशरूम जो कि गेस्ट के लिए यूज होते हैं वो जनरली दैट्स कॉल्ड द कॉमन वॉशरूम। बिल्कुल सर, और जनरली ये पाउडर रूम की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है, तो हम आ गए अभी अंदर खास रूम में। ये हमारा हाईलाइट है यहाँ का, ये हाईलाइट है सर। इसमें पूरा ही हाईलाइट यूज किया है, ये भी आप देखेंगे सिंगल टोन में रेडी किया है। इसमें भी दो टोन की टाइल्स यूज नहीं करी गई है। सेम लॉजिक? सेम लॉजिक है सर। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में प्योरली हाईलाइटर टाइल्स है। ठीक है, ये सर हमारा मोन्जा इटालियन का टाइल है। अच्छा, डबल चार्ज विक्ट्री 5 प्रीमियम सीरीज की टाइल्स हैं सारी। जितना भी हम सर देखिए मटेरियल यूज करते हैं वो टोटल ही ब्रांडेड होता है और ये सारा हमारा बाय रिटर्न के अंदर मेंशन होता है। ठीक है, इसमें जो टाइल का साइज होता है, जो वर्टिकल स्पेसेस में और हॉरिजॉन्टल में दोनों की बात करेंगे, आपने फ्लोर का तो बता दिया हमको। बिल्कुल सर, कि बड़े साइज की टाइल्स है वो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में लोग देते हैं। यस सर। ठीक है, विट्रीफाइड टाइल्स में एज टू एज फिनिश होती है, देयर इज नो स्पेस। बिल्कुल सर, तो उसमें डर्ट भी कलेक्ट नहीं होती। डेफिनेटली। ओके, अदरवाइज क्या उसमें आपको, व्हाट डू यू कॉल दैट, जो बीच में फिलिंग करके लगाते हैं सर? ग्राउटिंग। हाँ, ग्राउटिंग। या आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, सो ग्राउटिंग नहीं लगाते कहीं भी? नहीं 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 सर, ग्राउटिंग तो यूज होता है। अच्छा सर, ग्राउटिंग को तो यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कभी एजेस बनाए जाते हैं तो ब्लेड से कुछ टाइल्स के अंदर एजेस रह जाते हैं, तो उनको एजेस को फिलिंग करने के लिए तो ग्राउट सर यूज करने पड़ते हैं। देखते हैं क्योंकि ये बहुत शार्प एजेस होते हैं। अच्छा, अब ये देख सकते हैं बहुत शार्प एजेस होते हैं जो हमें कलम बना के लगाने पड़ते हैं। अच्छा, तो उसमें हमें ग्राउटिंग करनी पड़ती है क्योंकि इसमें पानी का यूजेस ज्यादा होता है बाथरूम में। ठीक है, डन। अब दूसरा चीज हमें आपसे ये जानना था कि क्या वर्टिकल स्पेस के लिए भी टाइल के साइज मैटर करते हैं, कि बड़े साइज के लगाएंगे तो ज्यादा अच्छे हैं, छोटे साइज के लगाएंगे तो? सर देखिए, एक हर चीज डिपेंड करता है कि साइज क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये, हाँ, कि जैसे कि अब इसका जो हमारा साइज था, ये साइज है हमारा 4x2। अच्छा, अब ये हमने क्ययों यूज किया है? क्योंकि 8 feet है। अच्छा, तो प्रॉपरली दो पीस आए हैं। ओके, एक पीस एंड दो पीस, क्योंकि सर ये चीज बड़ा माइंड लगाना पड़ता है इसमें। अब आप सपोज करिए 1.5 feet का कोई पीस लगा दिया जी, तो आप 1.5 into 5 करेंगे तो 7.5 होगा।
हाफ फीट बचेगा तो हमारा उसमें कट चला जाएगा, कॉर्नर हमारा बहुत ही पुअर लगेगा। ओके, लॉजिकल, वेरी वेरी लॉजिकल। ये एक जो है सर टेक्निकल मतलब चीज है कि हम टाइल्स काफी सारे बाथरूम में इस तरीके से लगाते हैं कि कटिंग हमारी बहुत कम आए। ठीक है, दिस इज वन रीजन। सेकंड इसका बेनिफिट और भी जो मुझे लगता है वो होता होगा कि आपको जॉइंट्स कम दिखते हैं। जॉइंट्स कम दिखते हैं सर, ऐसा लगता है कि पूरा प्योरली आपने इटालियन यूज किया हुआ है। We call this in English, it's called the seamless or jointless. Definitely. मतलब very seamless, इसमें कहीं आपको पता नहीं चलता। पता नहीं लगेगा सर, बहुत ही गौर से देखोगे तो ही आपको चीज पता लग रही है, अदरवाइज आपको नहीं पता लगेगा। ओके, इस बाथरूम का एक और हाईलाइट है, इस बाथरूम का हाईलाइट है फॉल सीलिंग जो हमने क्रिएट की है और यहाँ पे हमने लाइट्स दी है और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का लुक क्रिएट करने के लिए वहाँ पे रिफ्लेक्शन अच्छा आ रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं। और ये स्पॉट्स भी क्रिएट कर रहे हैं, क्या ये रोटेट मूवेबल है? यस यस सर, मूवेबल है, ये देख सकते हैं आप इनको अपने हिसाब से जैसे मर्जी आप चाहें, ये देखिए इनको घुमा सकते हैं। हाँ, ये जिधर भी आप चाहें इसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, इन सीलिंग्स में ट्रैप डोर होता है, इनमें सारी प्लम्बिंग का काम। या इसी वजह से सर आप देखो इसका भी एक टेक्निकल चीज बताता हूँ, ये मूवेबल होती है, ये देखिए। अच्छा, क्यों मूवेबल होती है? कि कल को कोई लीकेज है या कहीं से कोई सीपेज प्रॉब्लम है तो हम इसको आराम से रिमूव करके एंड देन अपनी सीपेज को या हमारी जो भी प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करके देन इसको हम दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एसएस का ग्रिड लगता है या नहीं? एमएस का सर। हाँ जी, एमएस का। ठीक है, आज हमने बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ले ली आपसे। गोइंग टू द मास्टर बेडरूम नाउ। या सर, बहुत सिंपल एंड एलिगेंट है। बहुत सिंपल एंड एलिगेंट सर, जो भी इस घर में वर्क किया है इसमें कोई भी हॉजपॉज वर्क नहीं किया गया है, उसी वजह से आप सीलिंग भी देखेंगे जितना सीलिंग हमें यूज किया है केवल एक कॉम्पैक्ट सिर्फ एक इफेक्ट देने के लिए। जी ठीक है, इसके हाईलाइट बता दें, इसका फीचर वॉल जो है वो ये वॉलपेपर के साथ में है, इसमें हम थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे। यहाँ पे फर्नीचर प्लेसमेंट कैसे होने सर? फर्नीचर प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे है 5x6 का बेड है अपना है। जो 5 हमारा चौड़ाई है एंड 6 हमारा लेंथ है। कितना स्पेस बच जाएगा हमको वार्डरोब तक जाने के लिए? सर वार्डरोब के लिए हमारा 2.5 का स्पेस इसमें बैलेंस रहेगा, 2.5 फिट का बैलेंस है जो आराम से हम मतलब ऐसे भी खड़े होंगे तो भी हमारे लिए मोर देन सफिशियंट है। मतलब 2.5 फीट का स्पेस आपको वार्डरोब और बेड के बीच में छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सर। सॉरी, उससे अगर कम होगा तो वो अनकंफर्टेबल थोड़ा सा सर, मतलब देखिए 2 फीट है तो भी चल जाएगा बट 2 फीट से कम है तो वो बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाता है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल नहीं है वो। बिल्कुल सर। और डोर्स में जितने भी है यहाँ पे आपने सिमेट्री है, सारा सिमेट्रीज है आपका, सेम देख सकते हैं जितने भी रूम्स है हमने सेम ही माइका यूज करी है। इसमें पूरे घर के अंदर आप देखेंगे तो सारा हमारा जो है फ्रॉस्टी व्हाइट्स एंड आप लैमिनेट्स जो यूज करे हुए हमने सारे ग्रे स्टोन में यूज किए हुए। ठीक है, इसका सर एक और बेनिफिट बता दें हमारे व्यूअर्स को जो सीख रहे हैं हमारी तरह, कि जब भी आप लैमिनेट्स जो है सिमेट्री में यूज करते हैं, मतलब आइडेंटिकल जब भी यूज करते हैं तो आपका घर थोड़ा और बड़ा दिखता है। 101% सर। कलर जंप कर लेंगे, पैटर्न जंप करेंगे तो आपका घर में बहुत ज्यादा कल्चरल शॉक दिखेगा। मतलब ऐसा लगता है, मैं अगर आपको कहूँ कि एक साउथ इंडियन वेडिंग से आप पंजाबी वेडिंग, बिल्कुल सर, पंजाबी वेडिंग से आप सिंधी वेडिंग में आ गए, तो ऐसा ना करें, आप सिमेट्री फॉलो करें। सर हमारा देखिए बहुत ज्यादा अपने व्यूअर्स से भी रहता है, हमारे पास बहुत कॉल्स भी आती हैं पूछने के लिए, हम उनकी हेल्प भी करते हैं। कई अभी भी मेरे पास लास्ट टाइम भी बेंगलोर से कॉल आई थी, क्योंकि मैं जो है पैन इंडिया नहीं देता हूँ डिलीवरी, मतलब अपना इंटीरियर सर्विसेज, क्योंकि हमारा ओनली दिल्ली NCR है, तो मेरे पास देखिए बाहर से बहुत कॉल्स आती हैं कि सर हम इस पे क्या कर सकते हैं। तो मैंने बहुत लोगों को गाइड भी किया हुआ है, मैं अपने मैसेज के कुछ आपको वो दूंगा कि उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है हमारे को कि आपने SPU जी बहुत हेल्प करी है क्योंकि यहाँ मिलती नहीं है उतना। तो मैं यही चाहूँगा अपने व्यूअर से कि आप जो कलर कॉम्बो है वो आप अपने घर के अंदर यदि जो चीज़ जैसे डोर पे चला रहे हैं तो सारे डोर्स आप एक ही टोन में लीजिए, यदि आप वार्डरूफ्स कर रहे हैं तो वार्डरूफ्स भी आप सिंगल टोन में लीजिए। आप colors, जो है सेम कलर्स कॉम्बिनेशंस को आप जितना फॉलो करेंगे उतना ज्यादा आपका अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक, आप जब लास्ट में निकलेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको अल्ट्रा लग्जरियस फील प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल जो था वो जो हमारा जो इसमें ड्रॉबैक है। बिल्कुल सर, इस स्पेस में एक ड्रॉबैक है कि निश है और यहाँ पे साथ में एक बेड का प्लेसमेंट है। बिल्कुल सर, तो ये तो निश आपने फिल नहीं किया, क्लाइडिंग फिल नहीं किया सर, इस वजह से नहीं किया कि आप थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि ये स्पेस है 4 इंचेस। अच्छा, ये और ये स्पेस है हमारा 6 इंचेस। ओके, तो सर क्या है कि जो ज्यादा वाला होता है यदि हम इस पे पैलरिंग करते तो 1 इंची की हमारी पैलरिंग हो जाती, 6 इंचेस हमारा ये है तो हम ओवरऑल रूम की जो हमारा 11 फीट रूम है तो हमारा 7 इंचेस ऑटोमेटिक हम पैलरिंग करते ही घटा देते।
इसके अलावा ये वाला कॉलम छोटा भी है, ये कॉलम छोटा है 4 इंचेस, ये हमारा 6 इंचेस है। तो सर इसकी पैलरिंग हम करते तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हमारा 7 इंचेस खत्म हो जाता। देखिए आई एम गेटिंग टू अंडरस्टैंड, दो पॉइंट आपने बताए, एक तो आपने कहा कि इसको पैनलिंग करते क्लाइडिंग करते हैं हम, या फिर इसके ऊपर आप प्लाई से या बोर्ड से किसी भी तरह से या जिप्सम शीट से या फिर इवन MDF से कुछ भी, तो आपको इसको प्रोजेक्ट करके बाहर लाना पड़ता, बाहर लेके आना पड़ता, रूम छोटा हो जाता, रूम छोटा हो जाता सर। सर एक और चीज भी तो है इसमें, फिर आपको क्योंकि ये थोड़ा अंदर की तरफ है तो अनइवन भी हो जाता, इसको भी बाहर लेके आना पड़ता। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ सर, ओवरऑल हमारा 7 इंचेस पूरा कम हो जाता रूम में, और 7 इंचेस एक सर बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है एक रूम को, कॉम्पैक्ट रूम में 7 इंचेस को घटाना। ठीक है, तो अब आपने क्या आइडिया निकाला सर? मैंने इसका यही है कि हमने जो इसका बेड क्रिएट किया है जो हमारा 5 फीट है वो हमारा इसके आगे आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे से जो हमारा बेड है उसके बैक साइड से हमारी पैकिंग हो जाएगी, तो वो हल्का सा जो अच्छा, गैपिंग नजर आ रही है सिर्फ बेड से पैकिंग हो जाएगी, बट आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको पूरा डेप्थ पूरी नजर आएगी। तो पीयूष जी ऐसा नहीं आएगा वो ऐसे जाके और फिर ऐसे, ये पूरा पैक हो जाएगा, या टेप सर वही टेपर आ जाएगा ना जो पीछे से, तो कुछ उस पे ये है कि सामान भी रख सकते हैं। अच्छा, वो एक वो एक यूज भी हो जाएगा, एंड देन जो हमारा देखने वाला या कमरे का जो ओवरऑल साइज है वो डेप्थ हमारी पूरी नजर आएगी। ठीक है, डन। एक चीज आपने बहुत अच्छा किया है इसमें, मुझे जो और अच्छा लगा कि जनरली क्या होता है निश एरिया में लोग वॉलपेपर लगा के उसको करते हैं, अगर आप इसमें निश में लगा देते तो आपका बेड फिर बैलेंस खराब हो जाता, बैलेंस खराब, ऐसा लगता है कि बेड जो है निश एरिया से बाहर चला गया। बिल्कुल सर, तो आपने ओवरऑल वॉलपेपर दोनों साइड लगा दिया है मैंने। ठीक है, क्या कलर का बेड आ रहा है ये सर? हमारा अपना लाइट ग्रे कलर है। अच्छा, जो लीफ से मैच करेगा। या ठीक है, डन जी। ये जो हमने अब तक वॉशरूम देखे उनमें हम देख रहे थे कि अलग पैटर्न क्रिएट किए हुए थे, यहाँ पे एकदम डिफरेंट है टोटली। ये डिफरेंट है सर, बहुत अच्छा है ये वाला, ये ऑनेक्स स्टाइल में बनाया हुआ है सर, जैसे कि हमारे व्हाइट ऑनेक्स क्रीम ऑनेक्स आते हैं जी, उसी के अंदर ये एक मल्टी ऑनेक्स है, आप देख सकते हैं लाइट वेरिएशन में जिसको पूरा आपने है, तो बहुत जगह से इसमें बुक मैच भी है, आप देख सकते हैं कि ओवरऑल काफी तरफ से जितना मिला सकते थे उतना मिलाया भी गया है इसको। अच्छा, अब दो तीन चीजें अगेन टाइल्स के बारे में ही, कि जब इनको बुक मैच करते हैं तो पूरे पैकेट के हिसाब से आपको बुक मैच करना होता है, तो यूज़ किए सेम सिमेट्री है क्वार्ट्ज का टॉप है, बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन जो बेसिन है वो आपने थोड़ा छोटा किया है, छोटा किया है सर। क्यों यहाँ पे काउंटर को बढ़ा सर? कुछ देखिए ऐसा होता है, बहुत सारे बाथरूम्स प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम साइड में रख सकते हैं। हाँ, पूरा कम, ये क्लैप्टर फैमिली का है। बिल्कुल सर, हाँ ये क्लैप्टर फैमिली का है। ठीक है, मैंने आपसे बात हुई है, कुछ वीडियो भी है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, एक वीडियो भी है जो मैं शेयर करूंगा। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट मीट देम, बट वी वुड लाइक टू पर्सनली थैंक देम, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आई पर्सनली वुड लाइक टू थैंक देम फॉर ट्रस्टिंग पीयूष जी, दिस हाउस हैज कम आउट वेरी वेल, बहुत अच्छा बन के आया है। और बिफोर वी साइन आउट क्विकली बताते हैं हमारे व्यूअर्स को कि कितना टाइम लगा पीयूष जी इसको कंप्लीट करने में? सर कंप्लीट पूरा हमने जो इस प्रोजेक्ट को हैंडओवर टाइमिंग्स ली थी इनसे 90-100 डेज की ली थी जी, जिसमें हमने इनको पूरा एग्जैक्टली इनकी 12 तारीख की पूजा है और हमने इन्हें कल जो है कीज प्रोवाइड करानी है, आज 10 तारीख है जी जी, तो हमने 11 को हैंडओवर दे दिया है, मिड ऑफ द नाइट में हम शूट कर रहे हैं तो उनका हैंडओवर का टाइम आ गया। बिल्कुल सर, कॉस्ट कॉस्टिंग तो आपको शुरू से पता है सर। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को भी आपको पता भी पता है कि हमें पूछना ही है आपने पूछना है और हमने बताना है कि कॉस्टिंग डिपेंड करता है कि कस्टमर की क्या चॉइसेस हैं, कस्टमर किस तरीका का प्रोडक्ट यूज कराना चाहता है एंड उसकी क्या डिजाइनिंग्स हैं एंड उसका किस तरीके से यूज करनी है चीजें हमें, उस तरीके से सर बजटिंग बना के हम एक कोटेशन प्रोवाइड कराते हैं। अगर मान लीजिए हम बेंचमार्क बनाते हैं, ये लेवल का जो आपने यहाँ पे काम किया है, इसका पर स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से मतलब पर स्क्वायर कितने रुपीस पर स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है? मान के चलिए यदि पर स्क्वायर फीट की बात करते हैं तो 1500 रुपए पर स्क्वायर स्टार्टिंग है, या है ना, और वो डिपेंड करता है कि आप क्या क्या उसमें लगवा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, पैन इंडिया वी आर नॉट सर्विंग? बिल्कुल नहीं सर। ऑलराइट, अभी दिल्ली एनसीआर में? ओनली दिल्ली एनसीआर। इस प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा है? दूसरा प्रोजेक्ट पर सर हार्डली 15 डेज के अंदर उसका भी शूट होना है अपना, जो है हमारा नेक्स्ट आ रहा है आशियाना ग्रीन में, आशियाना उपवन में, और उसके बाद फिर एक बैक टू बैक प्रोजेक्ट आ रहा है मिकॉन अपार्टमेंट एंड एक और प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा शिप्रा कृष्णा विस्टा के अंदर, और एक प्रोजेक्ट की बहुत जल्दी शूट उसका भी होना है हमारा नोएडा सेक्टर 77 में।
ठीक है, तो बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स हैं सर हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारा देखे और किसी को कुछ लगता है तो ज़रूर हमें भी गाइड करें, किसी को कोई चीज़ ऐसा लग रहा है या ऑफ बेट जा रहा है तो हमें डेफिनेटली बताएं, हमारी भी हेल्प होगी और आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हैं पीयूष गुप्ता को। थैंक यू वेरी मच एंड यू सेड इट वेरी राइटली, लेट मी पुट दिस अक्रॉस टू ऑल द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, क्रिटिसिज्म इज एक्सेप्टेबल, ह्यूमिलेशन इज नॉट। मतलब सुझाव के लिए सदैव हम आभारी हैं, बिल्कुल सर, बेइज्जती के लिए नहीं है ना, तो क्रिटिसिज्म जो है वो करना भी हर एक की बस की बात नहीं है, मतलब ढंग से आप अगर कोई सजेशन है, आपकी अपनी राय है, अपनी कोई ओपिनियन है, अपनी कोई विचार है आपके, बिल्कुल तो आप सामने रखिए, लेकिन बेवजह और शब्दों का खास ख्याल रखें सर, देखिए अपनी अपनी थॉट्स हैं बट हमें तो जिसके लिए करना है चलते चले जाते, हमें चलना है सर, हमें वर्क करना है, हमें लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और ये हमारे लिए वो इतना काफी है। ठीक है, सेम है, वी डू वी आल्सो ट्राई। मैं एक छोटा सा पॉइंट और बोलना चाहूंगा सर, हाँ ये उनके लिए है सर कि बहुत से देखिए स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटीरियर का कोर्स करना चाहते हैं या अपना जो है हमारी फील्ड में आना चाहते हैं बट थोड़ी सी मनी रिलेटेड बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ पे, इसके लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है कि किसी को इंटीरियर से रिलेटेड कोर्स सीखना है या वो है तो वो फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। ओ, ये आपने हमको नहीं बताया था। बिल्कुल सर, ये भी एक थैंक यू वेरी मच है, तो ये तो अच्छा हुआ, लकीली फिर हमने वीडियो को ट्रीट ही ऐसे किया था जैसे कि हम लोग सिखा रहे हो। बिल्कुल सर, मतलब आप तो सिखा रहे, मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये सर थोड़ा सा उन परिवारों के लिए है कि जो सीखने की बहुत चाह रखते हैं बट एक्चुअली में क्या होता है कि थोड़ी सी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो, क्योंकि कोर्सेज के बहुत ज्यादा चार्जेस है सर, इंटीरियर रिलेटेड कोर्सेज बहुत ज्यादा है क्योंकि 2 साल पहले सीखे एंड देन वो करें। ठीक है, डन, थैंक यू वेरी मच, तो गुड अपॉर्चुनिटी, प्लीज ग्रैब इट, अगर आपके पास फंड्स की कमी है तो पीयूष जी से कांटेक्ट करें। डेफिनेटली सर, और जैसे अभी इस वीडियो से सीखा था, आई एम श्योर दे विल गेट टू नाउ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, डेफिनेटली, और थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो। हेलो सर, हाय, कैसे हैं आप सब? बस बहुत बढ़िया। सर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा फैंटिनी डिज़ाइन के बारे में, जिन्होंने आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है शिप्रा सृष्टि मॉल श्री 804 में, तो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करूँगा जो हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। बिल्कुल। कि हमारी सर्विसेज आपको कैसी लगी और हमसे आपको क्या कोई प्रॉब्लम्स रही या अपना मतलब आप जैसे चाहते थे हमने आपको वैसा प्रोजेक्ट करके दिया या नहीं दिया या क्या कॉम्प्लिकेशंस रही या हम टाइमलाइन पे रहे या नहीं रहे, ये थोड़े से क्वेश्चंस थे जिसके हम आपसे ही जानना, क्योंकि आप इस घर के ओनर हैं तो आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं बता पाएगा। अच्छा सब कुछ रहा एंड फैंटिनी डिज़ाइन को तो हम 1.5 साल से फॉलो करते आ रहे हैं। बिल्कुल, तब से हमारे मन में था कि यदि हमारा जब भी फ्लैट बने, जब भी तैयार हो तो फैंटिनी डिज़ाइन पीयूष जी इसको हैंडल करें, तो हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। बिल्कुल मैम, टाइमलाइन पे मिला आपको प्रोजेक्ट? बिल्कुल मिला, मतलब जो आपने डेट फिक्स करी थी अपनी पूजा वगैरह के लिए उससे पहले हमने आपको हैंडओवर देने की पूरी हमारी तैयारी आपको फिनिश मिली है। हाँ, बिल्कुल, कोई चीज से भी आपको ऐसा लगा हो कि नहीं कहीं से आप अनसेटिस्फाइड हैं? नहीं, ऐसा कोई भी फीवर नहीं है कि अनसेटिस्फाइड हो, क्योंकि सब कुछ जो हमने सोचा था उससे भी बढ़कर ही मिला। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बिल्कुल आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका जो एक्सपेक्टेशन था वो ठीक ठाक मिल गया, तो आई एम आल्सो हैप्पी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम, थैंक यू, आई विश देम ऑल द बेस्ट, थैंक यू सबको ऐसी का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मैम, फैंटिनी डिजाइन पूरी कोशिश करता है कि क्लाइंट को जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड करे, कोई भी उसकी प्रॉब्लम को होने ना दे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बिल्कुल।